बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी बीराबर जी दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण वरे नाम अर्थ संघाना रसाना छंद सामपि मंगला नमच करतारो वंदिवाणी बीना नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनहित चातकी घनश्याम धनहित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री
श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। आई मीठी मीठी तालियों के साथ श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी
नहीं लाएगी। बोली कृष्ण का नहीं लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले होमवर्क तो बताइए, कल कौन कौन सी कथाएं हुई? गोपी उद्धव संवाद और बोलिए, आप इतना धीरे बोलेंगे मुझे कहां से समझ आएगा इतने दूर से। कृष्ण रुक्मणी विवाह, रासलीला, कंस का वध, गोपी उद्धव संवाद हो गया, यहां से कुछ बताइए। बताइए बताइए और कौन सी कथा है? बस तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। कल हमने बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह करवाया। कल की हर एक कथा में भगवान ने हमें सिर्फ एक ही सीख दी कि अगर इस पूरी दुनिया में सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम से ऊपर कुछ नहीं। और सिर्फ कल की लीलाओं में नहीं, भगवान अपनी हर लीला में यही सीख देते हैं। आपने 7 दिनों में जितनी भी कथाएं सुनी है, भगवान ने जो भी किया है, चाहे युद्ध किया हो, चाहे किसी का वध किया हो, चाहे किसी की सहायता करी हो, चाहे किसी की रक्षा करी हो, किसी की लाज रखी हो, भगवान ने सब कुछ प्रेम के वश में आकर किया। तो भगवान यही सीख देते हैं कि अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है प्रेम। लेकिन हम और आप जो करते हैं वो प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं होता, वो स्वार्थ होता है। जब तक जरूरत है तब तक प्रेम है, जरूरत खत्म तो प्रेम खत्म, उसको प्रेम नहीं बोलते। जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, बिल्कुल भी स्वार्थ ना हो, उसको सच्चा प्रेम कहते हैं। तो भगवान उसी प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं, फिर उसके आगे कुछ भी नहीं आता। और हमें ही नहीं सिखा रहे, भगवान खुद भी इसको लागू करते हैं अपने ऊपर। भगवान ने कई बार इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें त्याग दी सिर्फ प्रेम के कारण। जैसे भगवान हमें समझाते हैं क्या, भगवान कहते हैं कि सबसे प्रेम सगाई, सबसे लेकिन प्रेम सगाई का अर्थ ये नहीं कि ये प्रेम सिर्फ एक युवक युवती के बीच का प्रेम है। प्रेम हर रिश्ते में, कोई भी रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी के बीच का रिश्ता है, माता पिता और संतान के बीच का रिश्ता है, गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता है, जिसमें स्वार्थ के बिना प्रेम होगा वो सबसे ऊंचा है। कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे कैसे दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। ये प्रसंग आ जाएगा कि भगवान
दुर्योधन भगवान के लिए 56 भोग बनवाते हैं। भगवान उसको छोड़कर विदुर जी के यहाँ साधारण सा भोजन करने जाते हैं कि दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई क्यों कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची रिश्तेदारों का भी झूठा नहीं खाते, पर भगवान ने किसका झूठा खाया था? झूठे फल सब रीके खाए, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। Thank you.
कितने रूप लिए भगवान ने, और रूपों में भी ये नहीं देखा कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा ऊंचा है, कौन सा नीचा है। भगवान ने हर रूप बनाए अपने भक्त के लिए, जैसे प्रेम के वश नित सेवा कीनी, 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 आप बने हरि नाई, प्रेम के वश नित सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची चाहते, भगवान ने क्या क्या काम नहीं किया और हम है कौन इस दुनिया में, वो तो इस पूरी दुनिया के मालिक है, पर भक्त के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कहते हैं प्रेम के वश पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के वश पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के वश पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के वश भूल गए ठकुराई, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, एकदम लंबे लंबे और तालियां जोरदार एक साथ। Thank you.
होता है। इस पूरी दुनिया को नाच कौन नचाता है? जोर से कहिए, हम में से किसी में इतनी हिम्मत है कि उनको नचा सके? हम है ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपी नाच न चाहिए, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपी नाच न चाहिए। थोड़ा सा माखन दे दो हमें, गोपियां कहती थी पहले नाच के दिखाओ, तब भगवान उनके सामने नाचते थे, तब जाकर भगवान को इतना सा माखन मिलता था। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपी नाच न जाई, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपी नाच न जाई। सबसे ऊंची ज्ञान करवाते हैं। अब भगवान की कल हमने शादी करवाई, पर भगवान की कितनी पत्नियां थी? 16,108। उनके बारे में जानते हैं। रुक्मणी जी से कल भगवान का विवाह हुआ। अब सत्रदिक नामक एक राजा था, उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, उन्होंने कहा वरदान में क्या चाहिए? बोले वरदान तो नहीं चाहिए, मैंने तो बस दर्शन करने के लिए तपस्या करी थी। बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान। तब सूर्य नारायण भगवान उन्हें वो अपने गले में एक मणि पहनते थे, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। वो मणि उतार कर सूर्य नारायण भगवान राजा को पहना देते हैं। भगवान चले जाते हैं। अब मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि उनके पास अगर कोई कीमती या मूल्यवान वस्तु है तो वो उसका दिखावा बहुत करते हैं। हर व्यक्ति करता है। अब कितनी ज्यादा मात्रा में करता है वो अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है। कोई बहुत ज्यादा दिखावा करता है, कोई थोड़े से दिखावे में खुश हो जाता है। तो लेकिन दिखावा हर कोई करते हैं। अब जैसे मान लीजिए माताएं हैं, अगर उन्होंने किसी दिन बहुत सुंदर चूड़ियां पहनी होगी, बहुत कीमती होगी या बहुत ज्यादा सुंदर होगी, तो उस दिन उनकी सारी बातें उनके हाथों से होगी। हर बात कहां गए थे, इधर लाकर रख दो, उधर से आना, हर चीज हाथों से होती है। या मान लो कोई सुंदर हार पहना होगा तो उसको बार बार ठीक करेंगे, है ना? आप भी कम नहीं है। उनको आभूषणों का शौक है तो आप घड़ियां खरीदते हैं, अच्छे अच्छे फोन खरीदते हैं। ना फोन आया होता है, ना मैसेज आया होता है, जबरदस्ती उसको जेब से बाहर निकालेंगे, देखेंगे कि सामने वाला जो खड़ा है उसकी नजर फोन पर गिरे कि भाई देखो अच्छा फोन है हाथ में, है ना? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दिखावा तो
हर कोई करता है। अब राजा के गले में इतनी कीमती मणि है, एक देवता की मणि है, अब वो हर जगह उसको पहन कर जाए। अब दिखावा कैसे करे, बार बार उसको ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। अब इतना अगर किसी से बात करते करते करेंगे तो उसकी नजर तो पड़ेगी। अब वो मणि थी इतनी सुंदर कि जिसकी भी नजर पड़े वो उसकी प्रशंसा करे कि अरे कितनी सुंदर मणि है, प्रशंसा करे, तो राजा को बड़ी खुशी होती। अब एक बार एक सभा में जाते हैं वो। अभी ठाकुर जी तो लीलाएं कर ही रहे हैं, तो ठाकुर जी तो अभी तक राजा है, द्वारका के राजा है, मथुरा के राजा है। तो एक राजाओं की सभा हुई, तो वहां पर श्री कृष्ण भी आते हैं, अभी सत्रधिक राजा भी आए। फिर राजा ने वही हरकत की, वो बार बार उसको ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे। बाकी तो मनुष्य है, तो वो जो देख रहे हैं वो इतना समझ नहीं रहे, तारीफ कर रहे हैं। भगवान ये सब चीजों से ऊपर है। भगवान के मन में आया कि कैसे दिखावा कर रहा है ये, देवता ने मणि दिया, इसको संभाल कर रखना चाहिए, इसे एक तरीके का आशीर्वाद है। आपको अगर भगवान से, देवताओं से आशीर्वाद मिले तो उसको ऐसे ही बाहर रखोगे या संभाल कर रखोगे? संभाल कर रखेंगे हम। तो भगवान कहते कि इसको संभाल के रखने की बजाय ये कैसे दिखावा कर रहा है, और उसके दिखावे पे, उसकी मूर्खता पे भगवान को हंसी आ गया। अब चलिए, हंसी तो हम लोग कईयों को आती है, कई बार कई जनों पर, लेकिन हम हंसते थोड़ी है। लेकिन बस भगवान ने हंस दिया, उसने देख लिया, उसको बात अच्छी नहीं लगी कि एक तो ना तो उसने तारीफ, पूरी सभा में अकेले कृष्ण ने मेरी तारीफ नहीं करी, और तारीफ नहीं करी सो करी, वो मुझ पर हंस भी रहा था। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद उनके छोटे भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। देखिए कितना साधारण मान लिया उस मणि को, घूमने फिरने जा रहे, शिकार खेलने जा रहे, मणि पहनकर जा रहे, मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। शिकार करते करते एक शेर उनके भाई का शिकार कर लेता है, वो मणि लेकर चला जाता है। भाई की तो मृत्यु हो गई वहीं पर, मणि लेकर शेर चले गए। शेर थोड़ी दूर जाते हैं तो उनकी भेंट एक रीछ से होती है। वो रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी थे, जो राम जी के साथ राम अवतार में थे। रीछ से युद्ध होता है शेर का, शेर को मारकर रीछ वो मणि लेकर चले जाते हैं, अपनी गुफा में अपने बच्चों को खेलने के लिए देते हैं। अब यहाँ पर राजा आए, उसे पता चला सब कुछ, भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। इधर उधर देखते हैं, कहीं नहीं मिलता। अब किसको पता कि इतनी दूर जाकर किसी गुफा में वो मणि पड़ी है। अब यहाँ पर हर एक दो दिन में कोई ना कोई आए, राजा आकर पूछे कि भाई मणि कहाँ गई, क्या हुआ, किसी पर शक है क्या? कुछ लोग होते ना, काम कुछ नहीं करेंगे, चिंता ज्यादा दिखाते। वो राजा आकर पूछ रहे हैं कि भाई किसी पे शक है क्या, किसी ने कुछ ऐसी हरकत की हो? तो हरकत तो एक ही ने करी थी। सत्रधिक राजा कहते हरकत तो सिर्फ कृष्ण ने करी थी, और भगवान के दुश्मन कम नहीं है। जहां कृष्ण का नाम आया कि आधे से ज्यादा राजा वहां पर कहते अरे उसी ने चुराई है, वो तो है ही चोर। जाओ वृंदावन में, हर व्यक्ति वहां यही बोल रहा होगा कि कृष्ण चोर है, चोरी करता था यहाँ पर। अब सत्रधिक राजा ने बिना जाने बिना समझे, अब वो जिस व्यक्ति से मिले सबसे यही कहे, अरे तुमने मेरी वो मणि देखी थी ना? बोले हाँ। बोले वो कृष्ण ने चुरा ली। भगवान तक खबर जाती है। भगवान कहते हैं ब्रज में माखन चुराता था तो चोर नाम पड़ा था, यहाँ तो बिना चोरी की इल्जाम लग गया, अब ये नाम हटाना पड़ेगा। तो भगवान जंगल जाते हैं जहां पर उनके भाई का शरीर पड़ा था, वहां से देखते हैं कि शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो रुकते हैं तो रीछ के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं और सीधा गुफा तक पहुंचते हैं। अब दूर से ही वो मणि चमक रही है। भगवान अंदर गए, जामवंत जी सामने आते हैं। भगवान ने कहा देखो मुझे वो मणि चाहिए, वो एक देवता की मणि है, सूर्य नारायण भगवान की मणि है, आपको जितना धन चाहिए मैं बदले में दे दूंगा, आप मुझे वो मणि दे दो। जामवंत जी कहते नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, उनका खिलौना है अब वो, अब मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। भगवान कहते अरे वो कोई खेलने की वस्तु है क्या, वो एक देवता की मणि है,
कीमती है। जहां मंत जी ने कहा इतना है तो युद्ध करके ले जाओ, दोनों के बीच युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। अब जामवंत जी को बार बार लग रहा है कि ये मुझे आसानी से मार सकता है, इतना शक्तिशाली है ये, पर ये बार बार अपना दाव पलट देता है। वो दोनों मल्ल युद्ध कर रहे थे, हाथों के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो दाव खेलते हैं ना, तो कई बार ऐसे दाव होते हैं कि थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया कि सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जानबूझ के भगवान कभी ऐसा करे कि उनका हाथ फिसल गया, कभी वो खुद गिर गए। तो जामवंत जी समझ गई ये नाटक कर रहा है, ये मुझे मार सकता है पर अपने दाव पलट रहा है। जब अंत में ज्यादा ही समय हो जाता है तब भगवान ने धनुष उठाया, तीर खींचा, और खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते हैं। रामचंद्र की राम जी के दर्शन होते ही तो जामवंत जी चरणों में पड़ जाते हैं, प्रभु आप, अरे मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते उठाया नहीं, मैंने उठवाया। अरे क्यों उठवाया? बोले क्योंकि राम अवतार में रावण की मृत्यु के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे, तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है हमारे जीतने की, तो तुमने कहा था प्रसन्नता तो है पर रावण बहुत शक्तिशाली था, तो मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करना चाहता था पर मेरी इच्छा इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ करवाऊंगा, तो मैंने वो वचन पूरा किया, अब तो तुम खुश हो? बोले हाँ। तो बोले अब मुझे वो मणि दे दो। बोले दूंगा लेकिन दहेज में। भगवान कहते दहेज का मतलब समझते हो? बोले हाँ, पशु हूं पर मतलब समझता हूं, आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। तो बोले यहां कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? एक हो गया, एक और सही। हाँ अगर आप ये कहें कि मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है तो वो बात अलग है, फिर मैं मान जाऊंगा। भगवान कहते मैंने कभी सुंदरता पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कितने कुरूप अवतार लिए हैं। भगवान ने कैसे कैसे वरा अवतार, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार, तो भगवान कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब भगवान का विवाह जामवंती से होता है। अब वो मणि लाकर सत्रदिक राजा को देते हैं। राजा बड़े लज्जित महसूस करते हैं कि मैंने बिना सोचे समझे किसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, अब किस किस से जाकर कहूं कि भाई ये चोर नहीं है, मैंने तो हर जगह ढिंडोरा पीट दिया कृष्ण ने चुराया था। माफी मांगते हैं, भगवान ने कहा मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से शादी करें। अरे भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। अरे बोले दो हो गया, एक और सही। तब भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है। ऐसे करते करते कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, भगवान के आठ विवाह होते हैं। किसी ना किसी की मदद की या कुछ ऐसा हुआ, भगवान के आठ विवाह होते हैं। बाकी बचे कितने? 16,100। आइए उनके बारे में कुछ समय बाद जानेंगे, एक साथ इतना प्रेशर नहीं देंगे आप, आपसे एक ही नहीं समझती। तो भगवान ने अभी आठ विवाह किए। अब चलते हैं सुदामा जी के पास। कल हमने सुदामा जी का प्रसंग सुना, आज देखिए छोटे छोटे प्रसंग बहुत सारे हैं। विराम दिवस है, सारी कथाएं लेनी है तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि थोड़ी तेजी होगी बोलने में। तो महाराज सुदामा जी का प्रसंग हमने कल सुना। सुदामा जी एक वर्ष की शिक्षा ग्रहण करते भगवान के साथ, भगवान के हिस्से के चने खाकर बड़ा बुरा लगता है उन्हें, पर भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। पर गुरु जी ने उसी वक्त गुरु माता से कह दिया था कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली, और ये बात सच होती है। कई वर्षों बाद सुदामा जी का विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, और फिर उनके घर पर आती है दरिद्रता। घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे बहुत भूखे हैं। पत्नी ने कहा, आपने एक बार कहा था कि श्री कृष्ण आपके मित्र थे,
आप दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वो कुछ तो मदद करेंगे। सुदामा जी कहते हैं, मांगने तो मैं नहीं जाऊंगा, अरे मैं इतने वर्षों से जानता था कि वो द्वारका पास में ही रहता है, पर मैं उससे मिलने नहीं गया। और आज जब मेरे जीवन में संकट आ गए हैं, दिक्कत आ रही है, तो मैं मांगने चला जाऊं। स्वार्थ की मित्रता नहीं करी है मैंने उससे। पत्नी ने कहा ठीक है, मांगने मत जाइए, मिलकर आइए, उनसे कुछ मत कहना कि हमारी हालत कैसी है, हम दुखी है, गरीब है, बस कहना कि कई वर्ष हो गए थे तो सोचा तुमसे एक बार मिल लो, सिर्फ मिलने आया है, ठीक है। और सोचिए इस हाल में जब खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है, उनकी पत्नी कैसे तैसे आस पड़ोस से मांग कर एक छोटी सी चावल की पोटली तैयार कर दी। आप इतने वर्षों बाद जा रहे हैं तो ये भेंट स्वरूप उन्हें देना। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए निकलते हैं। देखो देखो ये गरीबी कहा, शाम के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के एक आस लेके आया, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के क्या?
सर पे है पगड़ी, नथन पे है जामा, नथन पे है पगड़ी, नथन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सका सोचते हैं कि इतना कह रहा है तो जाकर कही आते हैं। एक द्वारपाल अंदर जाता है और जैसा जैसा सुदामा जी ने कहा वो सब भगवान से कह कर आता है। और फिर ये सुनते ही दौड़े सुदामा को मोहन हो, लगाया कले से सुदामा को मोहन हो, लगाया कले से सुदामा को मोहन हो।
अपने बराबर से बैठा और चरण धोने के लिए जो जल लेकर आते हैं उसे तो हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि जैसे ही नजरें चरणों पर पड़ती है कितने ही कांटे छाले लहू लुहान ठाकुर जी अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोते हैं। देखते हैं इतना बड़ा महल, इतनी रानियां, इतने सेवक, 56 भोग के थाल लगे हैं। सुदामा जी सोचते हैं कि इन सब में मेरी छोटी सी चावल की पोटली का क्या महत्व। वो अपनी पोटली छिपाने लगते हैं। लगे फिर सुदामा
महाराज, ऐसा नहीं कि इतने ठाट बाट मिले तो वहीं रह गए। सिर्फ एक दिन द्वारका में रहते हैं सुदामा जी, और जब जाने लगते हैं तब भगवान उनसे क्या कहते हैं, वापस देते हैं। अब चलते हैं वापस विवाहों की ओर। भौमासुर नामक एक दैत्य थे, उन्होंने बहुत समय से अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। अब वो रोजाना भगवान से प्रार्थना किया करती कि हमारी रक्षा करिए। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, नारद जी को भेजते हैं। नारद जी ने जाकर कहा कि देखो, श्री कृष्ण ने कहा है या तो इनको छोड़ दो या तुम्हें उनसे युद्ध करना पड़ेगा। भौमासुर कंस के मित्र थे। भौमासुर ने नारद जी से कहा कि कृष्ण से कहना कि मुझे कंस ना समझे, वो यहां आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। नारद जी कहते अच्छी बात है, वो तो देखेंगे हम कौन जीवित रहता और कौन नहीं। ठीक है, नारद जी वापस आते हैं, भगवान जाते हैं। अब जाते हैं तो सबसे पहले भौमासुर के साथ एक और दैत्य वहां रहे थे, मूर नामक दैत्य। तो भगवान उसका उद्धार करते हैं। तो मूर नामक दैत्य को मारा, तब से भगवान का नाम पड़ा, बताइए, मूर नामक दैत्य को मारा तो भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मूर नामक दैत्य को मारने के बाद भगवान का नाम पड़ा था मुरारी। अब भौमासुर आते हैं, भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। अब राजकुमारियों से कहते कि वापस अपने अपने राज्य जाओ। राजकुमारियों ने कहा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे हम पवित्र हैं पर कोई मानेगा नहीं, कोई हमें अपनाएगा नहीं, हम कितने समय से इसके बंदी गृह में थे, अब या तो आप हमें अपनाइए वरना फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है। भगवान थोड़े डर जाते हैं, तब भगवान उन 16,100 राजकुमारियों को अपना नाम देते हैं कि मेरी पत्नी आए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो कई जन कहते हैं ना, भगवान ने इतने विवाह किए हम ऐसे नहीं कर सकते, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, तो विवाह भगवान ने जो पूर्ण रूप से विवाह किया था भगवान ने सिर्फ एक से किया है, रुक्मणी जी, बाकी सबको भगवान ने अपना नाम दिया था, मेरा नाम है, मेरी पत्नियां हैं, लेकिन भगवान ने विवाह सिर्फ रुक्मणी जी से किया था। लेकिन ऐसे कहा जाता है क्योंकि भगवान का नाम है उनके साथ, तो भगवान की कितनी पत्नियां थी, 16,108।
अब महाराज यहाँ पर अब विवाह होने के बाद भगवान और कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब भगवान को भी पता है कि कुछ समय में उनको जाना है, तो सारे कार्य भगवान कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कथा आती है बाणासुर नामक दैत्य की। ये महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, महादेव जी के भक्त हैं ये। दिन में 10 से 12 घंटे भगवान की पूजा करते थे, और पूजा यानी सिर्फ श्रृंगार, क्योंकि दैत्य है, अब ना स्तुति आती है, ना कोई श्लोक आता है, ना कोई मंत्र आता है, ना भजन आते हैं, कुछ नहीं आता था, सिर्फ श्रृंगार करते 10 से 12 घंटे। अब एक बार कुछ संत रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न होते हैं संत। फिर संतों ने कहा कि तुम 10 से 12 घंटे सिर्फ श्रृंगार करते हो, कोई स्तुति गाओ, कोई पूजा पाठ करो। बाणासुर ने कहा मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं आता, मैं तो दैत्य हूं, मुझे कहां इतना ज्ञान है। तब संतों ने उन्हें कई श्लोक सिखाए, स्तुतियां सिखाई, मंत्र सिखाए, अच्छे अच्छे भजन सिखाए, और कहा तुम इन सब का जाप करो, महादेव जी को प्रसन्न करो। ठीक है, वो स्तुति का जाप करते थे, बहुत भजन गाते थे, महादेव जी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं वहां पर। बाणासुर से कहते क्या वरदान चाहते हो? बोले मुझे वरदान दीजिए, क्योंकि आप की पूजा करने में बड़ा समय लगता है, श्रृंगार करने में, तो मुझे 1000 हाथ दान दीजिए। देखिए, एक स्तुति या एक दो भजन सीखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है, तो वो दैत्य, यानी दैत्यों के पास ज्ञान नहीं होता, बहुत कम ज्ञान होता है, तो इतनी समझ नहीं है कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। बाणासुर ने मांगा मुझे 1000 हाथ दीजिए। अब भक्त भोले, भगवान उनसे ज्यादा भोले। महादेव जी ने समझाने की बजाय कहा तथास्तु, ठीक है 1000 हाथ दे देते हैं। अब जो काम 10 से 12 घंटे में होता था वो 1 घंटे में होने लगा। अब वो दैत्य, कहने को दैत्य है, वो कोई सही में राक्षस थोड़ी है कि वो राक्षसों जैसे कार्य करे, वो भगवान का भक्त है, तो पूरे दिन करे क्या, कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो हाथ भारी लगने लगे, भारी लगने लगे। अब वो क्या करे, तो वो बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर उनसे तोड़ने लगे हाथों से। बहुत दुखी हो जाता है, बहुत रोता है, महादेव जी को पुकारता है। तपस्या के समय तो भगवान जल्दी आ जाते हैं, पर इस समय भगवान थोड़ी देर कर रहे हैं, तो भगवान को बहुत पुकारता है। आइए, कहा जाता है कि महादेव जी सभी भगवानों में सबसे भोले भगवान हैं, वो बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। तो इसलिए आपके मन में भी कोई भी इच्छा हो, और आज ऐसे भी आज विराम दिवस है, कल से तो आपको यहाँ आना नहीं है, तो आज जितना भगवान को मना सके मना लीजिए। तो कोई भी इच्छा आपके मन में हो, जो आपको महादेव जी को बोलनी हो, इच्छा पूरी करानी हो, आज कह देना, क्या पता आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आइए, जो चाहते भगवान उन्हें तारे उठाना पूरे पूरे हाथ, और तालियां एक साथ। कैलाश के निवासी निवासी नमो बार बार तिहारी प्रभु तार तार, आयो शरण तिहारी।
जीव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी जीव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी जीव तूने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, जानते हैं भक्त क्या कहते हैं, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, 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 लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर 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 का। है गंगा घाट, ओ ओ ओ, है गंगा धार मुक्ति द्वार, ओमकार तू ब्रह्म, ओमकार तू ब्रह्म, ओमकार तू, आयो 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 शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बोलिए बाबा भूत मिल सके,
लेकिन अगर महादेव जी ने वो सहयोग नहीं किया होता, कौन सा सहयोग? विष पीने का, तो समुद्र मंथन आरंभ भी नहीं हो पाता है ना, और वो आरंभ नहीं होता तो देवताओं को कभी तीन लोग वापस ही नहीं मिलते। तो भक्त कहते हैं, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं किया है हम क्या बखान दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं किया है हम क्या प्रमाण दे। बस एक त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस एक त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस एक त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस एक त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया ओ चाहिए नहीं, आपने जो दिया है उसको वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए 1000 हाथ। महादेव जी कहते ऐसे दिए हुए वरदान वापस नहीं लिए जाते। तो बोले पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं रह सकता इन हाथों के साथ। तो बोले चिंता मत करो, कुछ समय बाद तुम्हारा युद्ध श्री कृष्ण के साथ होगा और वही तुम्हें तुम्हारे हाथों से मुक्त कर देंगे। अब देखिए, वो भले ही दैत्य है पर वो भगवान की शक्ति को जानते हैं, भगवान के भक्त हैं। बाणासुर डर जाते हैं। बाणासुर ने कहा तो एक वचन दीजिए। कैसा वचन? कि जब श्री कृष्ण मुझसे युद्ध करने आएंगे तब आप मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हो। महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं तब तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। अब ये जो भी बात महादेव जी ने कही तो ये लीलाएं अपने आप सही रास्ते पर बैठती है। कैसे? बाणासुर की पुत्री थी उषा। अब यहां भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि हो रहे हैं, पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं, तो भगवान के एक पौत्र था जिसका नाम था अनिरुद्ध। अब पहले के समय में अगर किसी को सपने में भी पति के रूप में देख लेते थे तो उसी से विवाह करते थे। अलग अलग समय की बात है। तो उषा ने, बाणासुर की पुत्री उषा ने एक रात्रि में अनिरुद्ध को पति के रूप में देख लिया, स्वप्न में, सपने में। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, अगर जो खास करके युवा हैं, अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप क्या करेंगे? आपको शादी करने की इच्छा है तो क्या करेंगे? या मान लीजिए आपकी बेटियां ही हैं, उनको कोई पसंद आया तो वो क्या करेंगे? बताएंगे आकर। आप क्या करेंगे? जाकर बात करेंगे, रिश्ता सही हुआ तो रिश्ते की बात करेंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, सभी यही करेंगे, है ना। पर उषा किसकी बेटी है? बाणासुर कौन है? दैत्य। थोड़ी हरकतें तो आएंगी। तो साधारण जीव क्या करते हैं, कोई पसंद आया, माता पिता से कहा, माता पिता रिश्ता लेकर जाएंगे, बात करेंगे। बाणासुर ने यहां स्वप्न में उसे देखा, वहां रातों रात उसका अपहरण कर लेकर आ गए, उठाकर ले आए भगवान के पौत्र को। भगवान को पता चलता है तो भगवान ने कहा अरे हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप दोनों को वापस भेज दीजिए। बाणासुर ने कहा नहीं, अगर आपको अपना पौत्र चाहिए तो आपको
यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि बाणासुर को उन हाथों से मुक्त होना है ना, उसे तो युद्ध करना है। तो बाणासुर ने कहा यहाँ आइए, युद्ध करके अपने पौत्र को ले जाइए। ठीक है, भगवान आते हैं। भगवान ने आकर सबसे पहला बाण चलाया और पहले बाण से ही बाणासुर के वो 1000 हाथ भगवान ने मुक्त कर दिया उससे। अब दूसरा बाण भगवान चलाने ही वाले कि महादेव जी बीच में आ सकते हैं। महादेव जी ने कहा देखो जो काम करना था वो हो गया, अब मैं भगवान के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, और तुम्हें सिर्फ हाथों से मुक्त होना था ना, वो हो गया, अब बेटी भेजो और आप बहू ले जाइए, युद्ध को यहीं खत्म करिए। तब भगवान अपने पौत्र के साथ पौत्र की बहू को भी लेकर जाते हैं। अब लीलाएं आगे बढ़ रही है। यहां पर जरासंघ की कथा आती है। जरासंघ कौन थे? कल मैंने बताया कंस के ससुर, बहुत पापी राजा, भयंकर पापी राजा, बहुत गलत कार्य करते थे। लेकिन इतना गलत करने के बाद भी, इतने पाप करने के बाद भी उनके पापों का घड़ा नहीं भर रहा था। जब कोई पापी इंसान के साथ ज्यादा गलत हो जाता है तो हम क्या कहते हैं उसे? पाप का घड़ा भर गया। सच में ऐसा होता है, घड़ा होता है। आपने एक छोटा सा झूठ भी बोला होगा ना, मान लीजिए एक पर्ची उसमें गिरती है कि पहला पाप कर दिया इसने, ऐसे करते करते वो घड़ा भरता है और फिर एक नुकसान होता है या कोई संकट आता है तो कहते पाप का घड़ा भर गया। लेकिन जरासंघ के पाप का घड़ा नहीं भर रहा था, कितने ही पाप कर ले वो, कुछ भी गलत नहीं होता था उसके साथ। तब भगवान ने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों नहीं होता था वैसे ऐसा? क्योंकि जरासंघ बहुत दान करते थे, बहुत दान करते थे। वो सुबह उठते ही स्नान करने के बाद सीधा दान करते, और दान भी कैसा, अपने मन से नहीं, जो सामने वाला मांगे उसको जो चाहिए वो दान करेंगे। दान करने से कहते हैं हमारे पाप कटते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करें और दान करें, पाप करें और दान करें, क्योंकि उसका परिणाम क्या हुआ ये देखिएगा। उसका पाप का घड़ा एक बार ही भरा, लेकिन ऐसा भरा। तो जरासंघ दान करते, भगवान ने कहा यही रास्ता है, इसी से इसका विनाश हो सकता है। तो पांडवों के साथ वही सुबह के समय भगवान, अब दान हर किसी को नहीं करते थे, वो ब्राह्मणों को करते थे, साधु इत्यादि होते हैं ना, वो आते थे, उनको दान करते थे। तो ठाकुर जी और पांडवों ने साधु का वेश बनाया, उनके द्वार पर जाते हैं जब वो दान कर रहे थे। तो पहले तो फल इत्यादि ही देते, कोई कहे कि भाई ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो वो जो मांगे वो दे देते। भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए, तो बोले क्या चाहिए बताइए? बोले वचन चाहिए। कैसा वचन? कि हम जो मांगेंगे आप हमें वही देंगे। जरासंघ ने कहा वचन की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। बोले नहीं वचन दीजिए। जरासंघ ने कहा वचन का क्या करोगे? अरे तुम मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य। एक राजा के पास उसका राज्य ही होता है, राज्य के अंदर महल आते हैं, खजाने आते हैं, आभूषण, धन इत्यादि सब आता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी पूरी कमाई, जितनी जायदाद है, धन दौलत सब कुछ लेकर 10 करोड़ रुपए होते हैं, तो आप उस व्यक्ति से ज्यादा कितना मांग सकते हैं? 10 करोड़, 12-13 करोड़ मांगे उसे खुद के पास नहीं। तो राजा ने कहा तुम मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य दे दूंगा, पूरा का पूरा राज्य दे दूंगा। इसीलिए नहीं कि वो दयालु है, उन्होंने कहा लेकिन मुझे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह तुम्हें राज्य देकर शाम को युद्ध कर कर वापस ले लें, क्योंकि दान वो सिर्फ सुबह करते थे। अब वो अपनी शक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं कि वो कितने बलवान है, ये है वो है। अर्जुन को बात अच्छी नहीं लग रही, तो अर्जुन ने गुस्से में आकर कहा कि जितना कहा जाए उतना ही करो। अब ये मैंने हाथ उठाकर नहीं कहा, ऐसे अर्जुन ने कहा था। अर्जुन ने कहा कि जितना कहा जाए उतना ही करो। अब हाथ उठाया तो सबसे पहली नजर जरासंघ की अर्जुन के अंगूठे पर जाती। 4 वर्ण होते हैं, भगवान ने ये 4 ही वर्ण बनाए हैं, बाकी सब कुछ हमने बनाया है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण,
क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पहले के समय समय की बात है, पहले ये चार वर्ण जो थे ये सब अपने अपने काम करते थे, जिसको जो कार्य सौंपा गया है वो वही करता था। ब्राह्मण ये शिक्षा देने का कार्य करते थे, क्षत्रिय ये राजा बनते थे, युद्ध करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र सेवा करते थे। तो महाराज अब क्षत्रिय ब्राह्मणों का कार्य नहीं करते, ब्राह्मण क्षत्रियों का कार्य नहीं करते, तो ये अंगूठे पर जो निशान था ये सिर्फ क्षत्रियों के हाथों पर होता था, ये बाण चलाना जो प्रत्यंचा चढ़ाते थे उसके निशान होते थे, तो ब्राह्मणों के हाथ में मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन अर्जुन के हाथ में थे। जरासंध समझ गए तुम ब्राह्मण तो नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, तुमने ब्राह्मणों का रूप लिया है, जो भी हो तुरंत सामने आ जाओ, क्योंकि मुझे पता चल गया है ना फिर बहुत बुरा होगा। भगवान कहते हैं पकड़े गए हैं सामने आ जाते हैं, सब अपने अपने असल रूप में आते हैं। जरासंध कहते हैं कृष्ण क्या काम है तुम्हें? भगवान कहते हैं हमें युद्ध करना है। तो बोले यही वचन मांगने आए थे तुम? बोले हाँ। तो बोले सीधे सीधे नहीं आ सकते थे, मैं डर जाता तुमसे, पर क्या करे तुम्हें कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, तुमने कभी कोई काम सीधा नहीं किया। जरासंध कहते हैं कहां जन्म लिया तुमने, भगवान ने जन्म कहां लिया था? जेल में, ये कोई जन्म लेने की जगह है? भगवान बने फिरते हो कि तुम भगवान का अवतार हो, अरे कुछ भी लीला करते, तुम्हारे बगल में तो महल था, कुछ भी लीला करते कि देव की माता को कुछ देर के लिए महल आना पड़ता, महल में जन्म ले लेते, पर तुमने जेल के अंदर जन्म लिया। कब लिया? मध्य रात्रि, थोड़ी देर और रुक जाते, सुबह हो जाती, सबकी नींद खराब करी। थोड़ी देर क्यों कहा? क्योंकि पहले के समय सुबह का अर्थ होता 3:30-4 बजे, सब उठ जाया करते थे, आज के समय की सुबह नहीं। भगवान ने मध्य रात्रि में जन्म लिया तो इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ी देर और कुछ घंटे रुक जाते, सुबह हो जाती, सबकी रात में नींद खराब करी तुमने। खड़े टेढ़े होते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो, नाम ऐसा रखा है जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े, काम टेढ़े करते हो। अर्जुन ने कहा इसीलिए कहते हैं टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। जरासंध ने कहा तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करोगे? भीम से करूंगा, क्योंकि भीम के अलावा मुझे एक भी ऐसा नहीं दिख रहा जो मेरे सामने खड़े रहने लायक है। भगवान कहते अच्छी बात है, ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिससे युद्ध करता हूं या मैं जिसे मारता हूं वो मेरे धाम जाता है, तुम्हारे जैसे पापी को मैं अपने धाम भेजना नहीं चाहता। तो भीम के साथ युद्ध होता है। अब युद्ध चल रहा है 27 दिनों तक युद्ध चलता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं हो रहा, युद्ध भी कौन सा, मल्ल युद्ध हाथों से। 27वें दिन भगवान ने कहा कल मुझ पर थोड़ा ध्यान रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा तुम्हें, क्योंकि ऐसे तो ये नहीं मरने वाला। क्यों नहीं मरने वाला? छोटी सी कथा है, बृहदवीत नामक एक राजा थे जिनकी 2 रानियां थी, एक भी संतान नहीं। कुछ संत उनके राज्य में आते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं, संतों को पता चलता है कि राजा के कोई संतान नहीं है। अब संतों को नहीं पता कि इसकी 2 रानियां हैं, उन्होंने एक फल दिया कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। वो घर जाते हैं, पत्नियों से कहा कि फल खा लेना, दोनों ने आधे आधे फल खा लिए। अब दोनों को पुत्र होते हैं आधे आधे, यानी एक ही पुत्र हुआ लेकिन आधा हिस्सा एक को होता है और आधा हिस्सा एक को, यानी मृत बालक हुए, जीवित नहीं थे वो। रात्रि में होते हैं, राजा ने सोचा अगर ये राज्य प्रजा को पता चल गया, प्रजा डर जाएगी कि हमारा राजा अच्छा नहीं है, इसलिए भगवान ने शायद दंड दिया है या ये किस पाप का दंड मिला है इनको, राजा डर जाते हैं। तो रात तो रात उन्होंने वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक एक राक्षसी थी, उसने वो 2 हिस्सों को पकड़ा और वो जी जी करके चिल्लाने लगी, जी माने प्राण होते हैं, और जी जी करते करते उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया, जोड़ते ही उसमें प्राण आ गया, इसीलिए नाम पड़ा जरासंध।
यानी जरा नामक राक्षसी ने दो हिस्सों का संघ किया तो नाम पड़ा जरा संघ। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कहीं भी कुछ भी करो उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं होने वाला, किसी चीज का असर नहीं होने वाला, बीच का हिस्सा कमजोर है। तो भगवान ने कहा कल मुझ पे ध्यान रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा। ठीक है, युद्ध आरंभ होता है। अब भीम भूल गए कि भगवान की ओर देखना है, शाम होने वाली है। तो भगवान भीम का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्ला रहे हैं, अहो भीम, अहो भीम। यानी क्या दाव खेला है, क्या दाव मारा है, क्या पकड़ा है, क्या खेला। भीम सोच रही है सारे दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, इतनी प्रशंसा। फिर याद आता है अपनी ओर देखने को कहा था मुझे। भीम भगवान की ओर देखते हैं, भगवान ने नीचे से एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम, अब देखिए हर चीज ना ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। ये जल्दबाजी में जब हम रहते हैं ना, ठीक से सुना नहीं, आधी बात सुनी, काम बिगड़ते हैं। अब भीम ने इतना भगवान को देखा और तुरंत मुंह घुमा लिया। मुंह घुमाते ही जरासंघ के पैरों को पकड़ा और दोनों पैरों को पकड़कर चीर दिया। अब चीरते ही वो दो हिस्से फिर जुड़ गए, जुड़ गए। तो फिर भगवान की ओर देखे, भगवान की आंखें बता रही, एक बार में पूरा देख लो ना ढंग से। भगवान ने फिर वो टहनी उठाई, फिर उसे बीच से चीरा और फिर भगवान ने दो विपरीत दिशाओं में फेंके, क्योंकि अब वो दो हिस्से जब भी सामने आएंगे वो अपने आप जुड़ जाएंगे। तो अब भीम ने पैरों को पकड़कर दोनों पैरों को चीरते हुए उस दो हिस्सों को दो विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस प्रकार जरासंघ का वध होता है। अब देखिए एक बात बताइए, इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है? हर कथा में आपको भागवत जी में एक सीख दी जाती है। ये सिर्फ कहानियां सुनाने को नहीं है, सीख समझाने को। इस कथा से क्या सीख मिली बताइए। भगवान पर भरोसा, भगवान जो रास्ता दिखाए उस रास्ते पर चलो। एक बात बताइए, भीम कम शक्तिशाली थे? आज हम बड़े बड़े शक्तिशालियों में भीम का नाम लेते हैं, भीम कह देते मैं नहीं सुनता, 27 दिन लगे ना 10 दिन और लगेंगे, मारूंगा मैं ही। तो भगवान क्या कर लेते, क्या करते भगवान, खुद तो मार नहीं सकते थे, खड़े रहते चुपचाप, ठीक है। तो हमारे साथ भी यही होता है, भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो भगवान खड़े रहते कि करो भाई जो मन में आए। कैसे बताते हैं रास्ते, देखिए अच्छे कार्य तो हम सबको पता होता है कौन से अच्छे कार्य हैं, गलत कार्य में कई बार हम फंस जाते हैं, लेकिन जब भी हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं ना, एक बार, सिर्फ एक बार, यहाँ बैठे हर व्यक्ति के मन में एक हल्की सी आवाज अंदर से आती है ये गलत है, पर उस पे संसार की आवाज ऊपर चढ़ जाती है, अरे आजकल तो चलता है, सब करते हैं, इतना कौन मानता है। वो एक जो हल्की सी आवाज होती है ना, वो भगवान की होती है। भगवान कहते मैं सबको बताता हूं सही रास्ता कौन सा और गलत कौन सा, पर तुम्हारे ऊपर है कि तुम चलते किस रास्ते पर, क्योंकि परिणाम तो भगवान को ही देना है। देखिए एक बहुत अच्छी बात, मैं बहुत अच्छा प्रसंग सुनाती हूँ आपको, ये ध्यान से सुनिएगा, ये एक मनगणत कहानी है, यानी कहानी सच्ची नहीं है, बनाई हुई है, लेकिन इसकी जो सीख है वो सुनने लायक है। एक बार एक छोटा सा 30 साल के आसपास का युवक सुबह सुबह उठता है, उठते ही उसके सामने यमराज खड़े हैं। कौन खड़ा है? यमराज, यानी उसका अंत समय आ गया। अब इतनी सी उम्र है, बौखला उठा, ऐसे कैसे अंत समय आ गया, ऐसे कैसे मैं मर सकता हूं, अभी मुझे कितना कुछ करना है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता को कुछ भी नहीं पता, क्या कहां रखा है, क्या काम करना है। यमराज ने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हारा अंत समय आ गया, आज की जो लिस्ट निकली है उसमें पहला नाम तुम्हारा है,
देखिए इसलिए काम मनगणत है क्योंकि आप यमराज से इतनी बातें नहीं कर सकते, वो आएंगे और लेकर चले जाएंगे। तो यमराज ने कहा कि भाई लिस्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। अब सांसारिक व्यक्ति अपना दिमाग लगाए बिना रह नहीं सकता। वो उसने कहा ठीक है, लेकिन मुझे सुबह सुबह उठते ही एक कप चाय पीने की आदत है, तो एक कप चाय पीते और फिर चलते। यमराज ने कहा ठीक है। उसने दोनों के लिए चाय बनाई, यमराज के कप में उसने नींद की दवा मिला दी। नींद की दवा मिला देती है, यमराज पीकर सो गए। उस व्यक्ति ने वो लिस्ट निकाली, अब उसे देखिए मृत्यु आ गई है तो होना तो है, लेकिन उसने अपने लिए समय मांग लिया। कैसे? वो अपना नाम ऊपर से मिटा के एकदम नीचे लिख देता है। अब यमराज कुछ समय बाद उठते हैं, तो उठे तो उन्होंने कहा अरे माफ करना, तुम्हारे जाने का समय और मैं सो गया। बोले कोई बात नहीं, आपने सही कहा कि जो लिस्ट है उसके हिसाब से तो चलना ही पड़ता है। ठीक है, देखिए जो लिखा होगा वैसा ही करते हैं। यमराज ने कहा ठीक है, लेकिन फिर यमराज रुक जाते हैं। यमराज ने कहा देखो मैं जिसके पास भी जाता हूँ सब मुझे कोसते हैं, गालियां देते हैं। तुम पहले हो जिसने मेरा इतना सम्मान किया है, तो तुम्हारे लिए मैं आज की लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू करूंगा। अब ये कहानी थी, अब सीख सुनिए। अब वो व्यक्ति ऊपर जाता है, मृत्यु हो गई, भगवान के सामने जाता है, तो भगवान उससे कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तू मेरे दिखाए रास्ते पर चल, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा मैं, हर इच्छा, लेकिन थोड़ा धीरज धरो, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। भगवान आपको हर चीज समय अनुसार देते हैं। तो महाराज भगवान हर चीज समय अनुसार देते हैं, तो इसीलिए भगवान पर भरोसा रखिए, सही रास्ते पर चलिए, हमारी हर इच्छा पूरी हो। उनको सब बताइए क्या चाहिए आपको और अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, वो हर चीज अपने आप आपके रास्ते में डालते रहेंगे। तो महाराज अच्छे कर्म करिए, जितना कर सके अच्छे कार्य करिए, माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने माँ बनाई है। मैं हर घर हर किसी के पास हर वक्त नहीं रह सकता, तो मैंने माँ बनाई है। भगवान कहते हैं माँ का अपमान मेरा अपमान है, और हम उनका अपमान कर भी कैसे सकते हैं जिसने हमारे लिए कितना कुछ किया। एक माँ ने हमारे लिए हर काम किए हैं, हर काम हमारे लिए दाई का काम किया, हमें जब तक वो बच्चे को संभाल रही है दाई का काम किया, फिर आपको शिक्षा देकर गुरु का काम किया, कपड़े धोकर धोबी का काम किया, कपड़े सीकर दर्जी का काम किया, यहाँ तक आपके मल मूत्र उठाकर मेहतर का काम भी किया। और वो भी ऐसा नहीं भार पूर्वक कि भाई करना, प्रेम पूर्वक पूरी खुशी से, इतना कौन करता है। जब तक वो हमें संभाल सकती है, पूरी जिंदगी तो हमें संभालते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमारे खर्चे उठाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, और जब उनके जीवन के कुछ साल में उन्हें हमारी जरूरत होती है, तो हम उनके हाथ को पकड़कर जिस हाथ से चलना सीखा है, जिस हाथ से इतना आगे बढ़ गए हैं, जिस हाथ के कारण इतना धन कमा रहे हैं, उसी हाथ को पकड़कर वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
कुछ उम्र होने के बाद उनको बस ऐसा लगता है आप घर से जा रहे हैं, माँ मैं जाऊं, आ गए माँ मैं आ गया, और बस दिन में एक बार तू ठीक है ना, कैसा रहा दिन, खाया तू, बस हो गया, थोड़ा सा प्रेम। आपको जिन्होंने कितना प्रेम दिया, कितनी बार सारे काम का छोड़कर वो आपके पास बैठते थे, आपकी तबीयत खराब है तो आपके पास दिन भर बैठे हैं, और उनके जीवन के कुछ साल में जब उनको ऐसी थोड़ी जरूरत होती है आपकी, तब हमें अपने काम याद आते हैं, अपना बिजनेस याद आता है, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सब याद आ रहे हैं उस समय, माँ बाप के अलावा पूरी दुनिया याद आ जाती है। देखिए भगवान कहते हैं कि तुम भले ही मुझे मत मनाओ पर माँ बाप का दिल मत दुखाओ। यहाँ कितने हैं जो पंडरपुर गए हैं, पुंडरिक भक्त के बारे में सुना है, हाथ उठाना, सुना किसी से? देखिए एक भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, ऐसे भगवान के नहीं कहूंगी मैं, भक्तों माता पिता के थे, बहुत बड़े भक्त माता पिता के। भगवान को खबर पहुंचती है कैसा एक भक्त है पुंडरिक भक्त बोल के, कि जो भगवान माता पिता का बहुत बड़ा भक्त है। भगवान कहते हैं मिलकर आते हैं, तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ जाते हैं, जाते हैं तो वो घर के अंदर प्रवेश कर, छोटा सा घर है, उस समय उसके माता पिता सो रहे थे और वो उनके चरण दबा रहा है। तो भगवान ने जैसे ही घर के अंदर एक पैर रखा, उसने कहा अंदर मत आना, बाहर ही रहना। उसे लग रहा है आवाज होगी, मेरे माता पिता जग जाएंगे, तो बिना देखे कौन आया कौन नहीं, उसने जोर से चिल्ला के बाहर निकाल दिया, एकदम बाहर रहना। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपको ऐसा कह दिया? भगवान कहते वो कुछ भी कह सकता है, वो माँ बाप का भक्त है। और आज जो हम दर्शन करने जाते हैं ना, वहां पे भगवान के स्वरूप का, स्वरूप कैसा है वहां पर भगवान का, भगवान ऐसे खड़े हैं, ये स्वरूप उस समय का है कि भगवान बाहर खड़े हैं कमर पे हाथ रख के, इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो मुझे अंदर बुलाए तो मैं उससे मिलने जाऊं, क्योंकि उसने काफी समय बाद बुलाया था कि माता पिता सोकर जग गए, तो खड़े रहते तो कमर पे हाथ जाते हैं ना, इंतजार कर रहे हैं, तो भगवान ऐसे ही खड़े आज भी वहां पर कि वो अंदर बुलाए मुझे तो मैं अंदर जाऊं। सोचिए भगवान इतने प्रसन्न होते हैं माता पिता के भक्तों से। आइए आज सब अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो गए हैं, जो पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए, जिनका अपना गृहस्थ हो गया है अपने परिवार में व्यस्त हो गए, धन कमाने में व्यस्त हो गए, एक बार के लिए अपनी माँ को याद करिए, यानी अपना बचपन याद करिए, कैसे वो आपको खाना खिलाती सुलाती डांटती सब कुछ याद करिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ thank you.
विचार करिए, याद करिए बचपन में जब आप रात में रोते थे, बीमार पड़ते थे, या आपकी परीक्षाएं होती थी, आप घर से बाहर हैं, वो पूरी रात आपके लिए जागती थी, उसे नींद नहीं आती थी चिंता। वो दिन याद करिए। दुखन लागी है नहीं है, जो है बस आपके लिए, जो सपने हैं वो आपके लिए। बच्चे कहते हैं अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, ओ मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, तू बलिहारी Oh,
महाराज, अच्छे कर्म करने हैं, माता पिता की सेवा करनी है। ठाकुर जी बताते हैं कि मेरे दिखाए रास्ते पर चलो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब आगे प्रसंग आता है कि यहां पर पांडव एक मायावी महल बनवाते हैं। तो मायावी महल बनाते हैं तो अपने भाइयों को भी बुलाते हैं दिखाने को, कौरवों को, कि देखो हमने ऐसा महल बनाया है। कौरव आते हैं। अब मायावी महल है तो दुर्योधन को थोड़ा समझने में समय लग गया। उसे पैर की ठोकर लगती है, वो गिर जाता है। सामने से द्रौपदी जी जा रही थी, उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। जैसा मैंने कल भी कहा था, मजाक की मर्यादा होती है। उन्होंने मजाक में उस मर्यादा को पार कर लिया। द्रौपदी जी कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। उसी दिन महाभारत के युद्ध का बीज रोपण हो गया। दुर्योधन वहां से चले जाते हैं, अपने मामा के पास जाते हैं, शकुनी मामा। जाकर कहते हैं, मुझे उस द्रौपदी से बदला लेना है। मामा ने कहा, हम धृतक्रीड़ा का खेल करेंगे, तुम उसमें तुम्हारी जो इच्छा कर लेना, क्योंकि पासे मेरे वश में है। ठीक है, सभी वापस आते हैं। बीच सभा में धृतक्रीड़ा का खेल आरंभ होता है। पांडव एक तरफ, कौरव एक तरफ। अब खेल आरंभ करते हैं तो पासे मामा के वश में है। तो धीरे धीरे पांडव अपना सब कुछ हारते हैं, सब कुछ, धन दौलत पद राज्य सब कुछ हारते गए। अंत में कुछ नहीं बचता। तो अंत में पांडवों ने कहा, हमारे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है। दुर्योधन ने कहा, भी ऐसे कैसे कुछ नहीं है, अभी तो द्रौपदी बची है, उसे दाव पे लगाओ। एक बार के लिए सब बड़े क्रोधित होते हैं, गलत है, ये है, वो है, लेकिन फिर दाव पे लगा देते हैं, हार जाते हैं। द्रौपदी जी उस समय रजस्वला अवस्था में थी, यानी इस समय कुछ दिनों के लिए महिलाएं अपने कमरे में आराम करती थी, बाहर नहीं आती थी। अब क्योंकि कुछ दिन बाहर ही नहीं आना है, आराम करना है, तो वो उस वस्त्रों में भी नहीं है, आराम कर रही है। दुशासन अंदर जाते हैं, जाकर द्रौपदी जी के केशों को पकड़ते हैं। घर की बहू है, वो रानी है, उनके केशों को पकड़कर खींचते हुए लेकर आ रहे हैं, बीच सभा में लाकर पटकते हैं। दुर्योधन ने कहा, इसे निर्वस्त्र किया जाए। इतना अपमान उस समय तक राक्षसों की सभा में भी नारियों का नहीं हुआ था, जो आज राजाओं की सभा में हो रहा था। द्रौपदी जी सबसे प्रार्थना करती है, राजा महाराज बैठे हैं, वहां भीष्म पितामह बैठे, द्रोणाचार्य जी बैठे, कृपाचार्य जी बैठे, सब बैठे हैं, सब सर झुका कर बैठे हुए। सबसे प्रार्थना करती है, अरे कोई तो मेरी सहायता करो। दुशासन उनकी साड़ी खींचने लगते हैं। कुछ देर तक तो अपने साड़ी को अपने मुख में दबा कर रखती है। कितनी देर, कब तक करेगी? हार जाती है, नहीं हो रहा, तब दोनों हाथ ऊपर उठाती है, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो। और महाराज आवाज लगाती, जो साड़ी बढ़ने लगती है, तो शासन खींचने जा रहे हैं, पर वो साड़ी खत्म ही नहीं हो रही, कपड़ों का पहाड़ लग जाता है वहां पर, वो साड़ी खत्म नहीं हो रही, थक जाता है, छोड़ देता है। भगवान तो लाज रखते हैं, लेकिन भीम बड़े क्रोधित होते हैं। भीम कहते हैं, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि ये दुर्योधन, इसकी छाती फाड़ कर इसका लहू पीऊंगा मैं, और ये दुशासन, जिसने द्रौपदी के वस्त्रों को हाथ लगाने की हिम्मत की है, मैं इसके दोनों हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन ये बातें बाद में, पहले उन्हें वनवास होता है। वनवास के बाद कहा गया था, राज्य वापस दे दिए जाएंगे। वनवास आते भीम ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, लिखित रूप में तो कुछ हुआ नहीं, और मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि मैंने कोई वचन दिया हो या मैंने कुछ बोला हो। कुछ भी चाहिए, युद्ध करो, ले जाओ। तब भगवान को शांति दूत बनाकर भेजा जाता है। तो महाराज
भगवान शांति दूत बन कर जाते हैं। अब भगवान आ रहे हैं, दुर्योधन को पता चलता है, तो शकुनी मामा दुर्योधन से कहते हैं कुछ भी करो, कुछ भी, कृष्ण को अपनी तरफ कर लो। अब तुम भोजन से मनाओगे, धन से मनाओगे, सेवा से मनाओगे, मुझे नहीं पता, पर वो तुम्हारी तरफ हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर तुम्हारी तरफ हो गया ना, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तब दुर्योधन पता करते हैं, तो दुर्योधन को पता चला कि भगवान को 56 भोग बड़े अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने 56 भोग बनवाए। भगवान आते हैं, दुर्योधन ने कहा ये भोजन करते, भगवान कहते भोजन बाद में, पहले जिस काम को करने आया हूं मैं वो काम करूंगा। देखो तुमने कहा था तुम वनवास के बाद उनको उनका राज्य वापस दे दोगे। दुर्योधन ने कहा मुझे कुछ याद है, मैंने नहीं कहा। भगवान कहते ठीक है, एक काम करो, राज्य मत दो, 5 पांडव है, 5 गांव दे दो, एक एक गांव एक एक पांडव, उसमें ही खुश है, उसी में खुश है, एक एक गांव एक एक पांडव संभाल ले। युद्ध करने से बहुत बेगुना मारे जाएंगे, कितना रक्तपात होगा तुम्हें क्या पता, तुम्हारा हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कितनों के घर उजड़ जाएंगे। दुर्योधन ने कहा मुझे नहीं पता, युद्ध के बिना तो मैं सुई भर भूमि भी नहीं दूंगा। आप गांव राज्य की क्या बात कर रहे, सुई भर भूमि भी नहीं देने वाला मैं। अरे आप छोड़िए ये बातें, आइए भोजन करते, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। भगवान कहते भोजन किसी के भी यहां दो ही शर्तों पर करो। कौन सी शर्त? पहली शर्त कि जो भोजन करवा रहा है उसके मन में बहुत भाव है, वो सच में चाहता है कि आप उसके घर भोजन करें, तब तो भूख नहीं भी लगी हो तब भी कर लो। और दूसरी शर्त आपको बड़ी जोर की भूख लगी, फिर तो जहां मिल जाए वहां कर लो। ठाकुर जी कहते यहां तो दोनों ही शर्तें नहीं है, ना तो तुम्हारे मन में मुझे इतने से भी भाव नजर आ रहे हैं, प्रेम नजर आ रहा है, पर ना मुझे इतनी भूख लगी, मैं तो विदुर जी के यहां भोजन करूंगा। अब भगवान ये सब कह रहे थे, वहां विदुर जी विदुरानी अपने घर पर बैठे, विदुरानी जी ने कहा अरे सुनिए, सुना है कृष्ण आया है, अगर वो घर आ जाता तो। विदुर जी कहते वो राजा है, राजा से मिलने आया है, दासी पुत्र के यहाँ क्यों आएगा, अरे कोशिश तो करिए, पूछ कर आइए उससे, एक बार आ जाए वो हमारे घर। ठीक है विदुर जी जाते हैं, विदुरानी जी ने कहा और अगर लेकर आए तो रास्ते से कुछ खाने को भी लेकर आना, घर में कुछ नहीं है। ठीक है विदुर जी जा, यहाँ विदुर जी का जाना हुआ और भगवान का आना हुआ। ठाकुर जी दरवाजे पर खड़े, अब देखिए अपना और पराया ये फर्क पता है कैसे, अब आजकल तो देखिए अलग तरीके के घर हो गए, आजकल डोर बेल बजाओ, लेकिन उसमें भी आपको समझ आता है अपना और पराया कौन है, डोर बेल में भी कैसे, बताइए कैसे पता चलेगा कि कोई अपना आया है कि कोई जो बाहरी रिश्ता है, बताइए कैसे, जो सांसारिक रिश्ते होंगे वो चुपचाप डोर बजाते एक दो, ठीक है, और आपका मित्र कोई आया हो अपना एकदम तो नहीं, ये अपनापन होता है, उसे पता है कि कोई चिल्लाने वाला नहीं अंदर से कि भाई ये क्या तरीका है, अपना है। अब वहां उस समय डोर बेल नहीं होते थे, तो उस समय दरवाजा खटखटाते थे, तो जो बड़े शांत है सांसारिक वो आकर धीरे से, भगवान आते ही चिल्लाते अरे विदुर जी कहाँ हो, अरे अंदर नहीं बुलाओगे क्या, मिलने तक नहीं आए, आप तो हद करते। विदुरानी जी कहती ये कौन आया है जो इतने पन से आवाज, इतने अपने पन से आवाज लग रहा है, मानो कितना हक है उसका हमारे ऊपर। विदुरानी जी जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, बड़ी प्रसन्न होती है, आइए दर्शन करते हैं, भजनों का आनंद लेते हैं, और जो जो चाहते हैं कि भगवान उनके भी घर कभी आए भोजन करने के लिए, तो तालियां सभी मिलकर एक साथ। आज हरि आए विदुरे घरे पावणा, पावणा माने मेहमान, और मेहमान भी कौन सा, लाडला मेहमान, पावणा माने लाडला मेहमान,
आइए। आज हरी आए मिथुरे घरे पावना, 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 आज हरी आए। चली जाती है, तैयारियां कर रही है, कपड़े बदल रही है, इतनी जल्दबाजी में बाहर आई, ठीक से वस्त्र भी नहीं पहने हैं और सामने भगवान खड़े हैं। विदुर नहीं घर में विदुरानी, 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 आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, खुली दे रसोई घर में जाती है, इधर उधर देखती है, कुछ तो मिल जाए, तो कुछ केले पड़े थे वो ही लेकर आ जाती है। एक बार विदुर जी कब आएंगे कब नहीं आएंगे, अब वो केला अपने हाथ से खिला रही है, लेकिन कैसे, भगवान के चेहरे को देखते हुए। अब उनके चेहरे को देखकर आप दूसरा काम कर नहीं सकते कभी। तो अब हम सभी फल खाते ही हैं, तो जो गिरी खाते हैं, छिलका उतार कर केले की गिरी खाते हैं, वो गिरी तो गिरा रही है, छिलका खिला रही है। केला बहुत प्रेम से लाई, 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 गिरी गिरी सब दे ला।
बोलिए भक्त और भगवान की। अब विदुर जी राजमहल पहुंचते हैं तो सब कहते हैं अरे भगवान तो अभी अभी निकले थे और यही बोल के क्या आपके घर जा रहे हैं। विदुर जी दौड़े दौड़े जाते हैं घर में प्रवेश करते हैं कि देख रहे हैं उनकी पत्नी भगवान को छिलका खिला रही है। जोर से चिल्लाते अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा क्या कर रही हो ये। बहुत जोर से चिल्लाते हैं बहुत सी बातें सुनाते हैं उन्हें। इतने माही विदुर जी आए इतने माही विदुर जी आए इतने माही विदुर फल तो खिलाऊं छिलका थोड़ी खिलाना है। तो विदुर जी जो असल फल है गिरी है वो भगवान को खिलाने लगते हैं। केला विदुर लिए करमाही केला विदुर लिए करमाही केला विदुर लिए करमाही केला विदुर लिए करमाही गिरी देत गिरधर मुख माही गिरी देत गिरधर मुख माही गिरी देत गिरधर मुख माही। भगवान खाते हैं भगवान ने छिलका भी खाया और असल फल भी खाया। भगवान कहते हैं कहत कन्हैया सुनो विदुर जी कहत कन्हैया सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आवना जो स्वाद उस छिलके में था ना वो स्वाद इस फल में नहीं है। कहत कन्हैया सुनो विदुर जी कहत कन्हैया सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं भोजन करते हैं। अब कथा आती है भगवान ने बहुत कोशिशें की पर वो युद्ध रुक ना पाया तो महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत के युद्ध के बाद सभी को पता है पांडवों की जीत होती है और कौरवों की हार होती है।
अब पांडवों को उनका राज सिंहासन वापस मिल रहा है। भगवान को जाना है, जाना है तो सभी से मिलकर जा रहे हैं। अर्जुन से मिलते हैं, युधिष्ठिर से मिल रहे हैं, कुंती बुआ से मिलते हैं। कुंती बुआ ने कहा, कृष्ण मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। यानी भगवान कहते, बुआ मैं पूरी दुनिया को देता हूँ, तुम्हें नहीं दूंगा, क्या मांगना है बोलो। बोले, मुझे मेरे जीवन में हर पल, हर क्षण, हर वक्त दुख ही दुख है, संकट ही संकट हो, विपदाएं ही विपदाएं आए। अरे भगवान कहते, बुआ क्या मांग रही हो? अरे इतनी मुश्किल से तो दुख के दिन गए हैं, कितने समय बाद अब थोड़े तो सुख के दिन आए हैं, फिर से दुख मांग रही हो? कुंती बुआ कहती है, देखो ना, सुख के दिन आए तो तुम जा रहे हो। बुआ ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े हरी हृदय से पीर, और बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। वो तो दुखी, अच्छा जिस दुख में तुम साथ तो रहते हो, सुख में तो तुम जा रहे हो हमें छोड़कर। भगवान कहते, ऐसा नहीं है, और भी कई काम करने हैं, जाना तो पड़ेगा, चिंता मत करो, जब बुलाओगी तब आ जाऊंगा। सबसे मिलकर, अब सबसे मिल रहे हैं तो कौरवों की माता गांधारी से भी मिलने जाते हैं भगवान। वो बहुत दुखी है, यहाँ एक बच्चे को कुछ हो जाए, माता पर क्या बीती है, उसके 100 बच्चे मारे गए एक साथ। दुखी है, भगवान पर क्रोधित है। भगवान आते हैं, माता ने कहा, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है, तुम क्या नहीं कर सकते, तुम रोक सकते थे ये युद्ध, पर तुमने नहीं रोका। और रोका नहीं रोका बात की बात, तुम्हारे कारण मेरे बच्चे मारे गए। तुम अगर पांडवों के साथ खड़े नहीं होते ना, वो 2 दिन नहीं ठहर पाते। अरे ऐसा हो सकता है कि कभी सुनने में आया है, एक तरफ 100 लोग है, एक तरफ 5 लोग, और 100 के 100 मारे गए, पांचों के पांचों जिंदा है। माता कहती है, असंभव कार्य है, ये हो ही नहीं सकता। पर ये हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उन 5 के साथ तुम खड़े थे। तुम नहीं खड़े रहते ना, एक भी नहीं बचता। अब माता इतनी ज्यादा क्रोधित है, कहते ना, क्रोध में या तो आप जब बहुत ज्यादा खुश है या बहुत ज्यादा गुस्से में है, तब ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी बातें मुख से निकल जाती है जो आप कभी वापस नहीं ले सकते। गांधारी माता ने गुस्से में आकर कह दिया, मेरा पूरा वंश तुमने खत्म कर दिया, आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जैसे मेरे वंश में कोई नहीं बचाना, तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं बचेगा, तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। भगवान कहते, अच्छी बात है, मैं तो यही सोच रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं, आपने श्राप देकर मेरा काम आसान कर दिया। क्यों सोच रहा था बताइए? आज हम किसी स्थान पर जाते हैं, मान लीजिए कोई भी शहर है, गांव है, उनके कोई ना कोई बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होते ही है वहां के, कुछ ना कुछ उनके बच्चे कुछ गलती कर दे और उन्हें कोई डांटे तो वो क्या जवाब देते हैं? देखिए, अच्छे संस्कारी बच्चे हैं तो बात अलग है, पर अगर साधारण बच्चे हैं तो क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देते बताइए, बोलिए, तुम जानते नहीं मैं किसका बेटा हूं, इतनी बड़ी दुनिया, उस दुनिया में जाकर एक छोटा सा गांव या छोटा सा शहर, उस शहर का कोई 1-2 प्रतिष्ठित व्यक्ति के बच्चे, उनके अंदर इतना घमंड है, इतना अहंकार है कि गलती करने के बावजूद वो कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं मैं किसका बेटा हूं। तो ये तो किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे। इनका पूरे ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इनमें कितना अहंकार होगा, क्योंकि बच्चे हैं तो मनुष्य,
भगवान नीचे आकर लीलाएं कर रहे हैं, तो बाकी सात जो उनके सब तो मनुष्य हैं, उनमें मनुष्यों वाली हरकतें तो आएंगी, वो भगवान थोड़ी है। भगवान में अभिमान अहंकार ये सारी चीजें नहीं है, पर बच्चों में तो आएंगी क्योंकि वो साधारण मनुष्य हैं, वो लीला करते हुए आए हैं। तो भगवान नहीं चाहते थे ये वंश आगे बढ़े, आगे जाकर कोई ये कहे कि हम भगवान के वंशज हैं, कोई नहीं कह सकता आज के समय पर कि हम भगवान के वंशज हैं, कोई नहीं है। भगवान ने सब वहीं खत्म कर दिया था, भगवान नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो, कैसे अहंकारी गलत या पापी लोग आकर कहे हम भगवान के वंशज हैं, भगवान के नाम पर गलत कार्य करें। भगवान ने कहा मुझे ऐसे ही खत्म करना था, उन्हें आपने श्राप देकर मेरा काम आसान कर दिया। अब वो श्राप अपना असर दिखाने लगता है। यहाँ कुछ पुत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे थे, सामने कुछ ऋषिगण बैठे थे, सबने सोचा ऋषिगणों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। तो एक लड़के को स्त्री का वेश दिया गया, साड़ी इत्यादि पहनाकर उसके पेट के आगे कुछ कपड़े लगाए गए कि मानो गर्भवती स्त्री है। और संतों के पास जाकर कहते हैं देखिए आप सब तो बड़े ज्ञानी हैं, ये मेरी पत्नी है, जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। वहां सिद्ध ऋषि बैठे थे, गर्ग ऋषि है, कौंडल्य ऋषि है, दुर्वासा ऋषि है, सबको पता है बच्चे कौन है और सबको पता है बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान के बच्चे, देखिए भगवान को यही डर था, वो डर सामने आ गया। वरना ऋषियों को कितना जल्दी क्रोध आता है सबको पता है, कितनी जल्दी उन्हें क्रोध आता है ना, लेकिन वो सब चुप खड़े हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के बच्चे हैं सामने। उन्होंने कहा देखो तुम अभी जाओ, हम तुम्हारे साथ बाद में बहुत खेलेंगे, अभी हम बहुत जरूरी कार्य कर रहे हैं। बच्चों ने कहा ये सब पाखंडी है, इनको कुछ नहीं पता। फिर भी क्रोध नहीं आ रहा है सब, क्योंकि डर रहे हैं क्रोध करने से, भगवान के बच्चे हैं कैसे करें क्रोध। तब भगवान ने योग माया को आदेश दिया कैसे तो इनको क्रोध आने से रहा, तुम इनके मस्तक पर जाकर बैठो, इनको क्रोध आना चाहिए, इतना गुस्सा आना चाहिए कि श्राप दे। तब योग माया संतों के मस्तक पर जाकर बैठती है और उन्हें इतना क्रोध आता है, क्रोध में आकर वह कहते हैं कि जिस गर्भवती स्त्री का तुमने वेश बनाया है ना, हम श्राप देते हैं उसी गर्भ में से एक लोहे का मूसल निकलेगा और वही लोहे का मूसल तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करेगा, पूरे वंश को, एक नहीं बचेगा तुम्हारे वंश में। बच्चे डर जाते हैं, पेड़ के पीछे जाकर कपड़े उतारते हैं तो देखते सच में जिस गर्भ पेट के आगे कपड़े लगाए गए थे उसकी जगह एक लोहे का मूसल निकलता है। उग्रसेन जी को पास जाते, बाबा बाबा हमसे ऐसी गलती हो गई। बाबा ने कहा कृष्ण से मत कहना। तो एक नदी के पास एक बड़ा सा पत्थर रखा था, उस पर उस लोहे के मूसल को घिस रहे हैं, घिसते घिसते खत्म कर रहे हैं वहीं पर उसको, घिस घिस कर घिसते 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 अंत में एक छोटा सा टुकड़ा बचता है। वो टुकड़े को सोचते भी इतना सा टुकड़ा क्या बिगाड़ लेगा, उसको पानी में फेंक देते हैं, पानी में से एक मछली उसको निगलती है। अब यहाँ पर गांधारी माता का श्राप और असर दिखा रहा है, वो बच्चे मदिरा पान करते हैं सब के सब एक साथ, मदिरा पान करे अब कोई होश में नहीं है। तो किसी एक दो का झगड़ा हो गया, अब झगड़े के चक्कर में सब चिल्ला रहे हैं, धीरे धीरे सबका एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है, झगड़ा करते करते इतना क्रोध आया कि अब एक दूसरे को मारने लग रहे हैं। वो मारते मारते सब एक दूसरे को मार देते हैं। बलराम जी, सब लीलाएं हैं देखिए, ये सारी लीलाएं हो रही है। बलराम जी, उनको भी जाना है, बलराम जी बचाने बीच में आते हैं, उनको भी मार देते हैं, सब खत्म। अब बचा कौन? भगवान, सिर्फ श्री कृष्ण बचे हैं। वो जब तक रहेंगे तब तक वंश आगे और बढ़ सकता है, अभी वो और बचे हैं वंश को खत्म करने के लिए। अब भगवान बचे हैं तो भगवान को भी पता है उनका अंत समय आ गया है। तो अब भगवान सबको बुलाते हैं मिलने के लिए, सबको, यानी देव की माता, वसुदेव जी, गोपियां, यशोदा मैया, नंद बाबा, सबको। देव की माता ने कहा तुम्हारे कारण मैं अभी तक जीवित थी कि मेरा एक पुत्र तो है, अब तुम जा रहे हो, मुझे मेरे 6 पुत्र वापस करो, मैं किसके लिए जीऊं। तब भगवान यमलोक जाते हैं और वहां से उनके 6 पुत्र वापस लेकर आते हैं, देव की माता को देते हैं। गोपियों ने कहा हम आपके बिना नहीं रह सकते,
भगवान कहते मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए यहाँ कितने वृंदावन गए, एक बार फिर से हाथ उठाना। निधि वन के दर्शन कितनों ने किए हैं, जहाँ भगवान रास करने आते हैं। तो इस बात को किसी ने देखा है भगवान को आते हुए, पर इस बात को फिर भी सच मानते हैं। क्यों मानते हैं, इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने भागवत जी में बात दी है। भगवान ने और कहीं के लिए ये नहीं कहा कि मैं हर वक्त वहां रहूंगा। भगवान कहते हैं मैं वृंदावन हर वक्त रहूंगा, और रहने के साथ साथ मैं वहां रहते व्यक्तियों को आभास करवाता रहूंगा कि मैं वहां हूं। बाकी किसी स्थान के लिए भगवान ने ये बात नहीं कही है, पर वृंदावन छोड़कर मैं कभी जिंदगी में नहीं जाने वाला, मैं हर वक्त वहां रहता हूं। इसीलिए इस बात को इतना सच माना गया है कि भगवान आज भी आते हैं, क्योंकि भगवान ने बात कही है कि मैं आऊंगा वहां पर। तो गोपियों से कहते तुम चिंता मत करो, मैं हर वक्त तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं, बस महसूस करना मुझे। अब भगवान सबसे मिलकर उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी ने कहा प्रभु अभी तक तो धर्म की रक्षा आप कर रहे थे, कोई भी गलत कार्य करता आप उसकी सहायता करते, कंस हो, महाभारत का युद्ध हो, कितनों का आपने उद्धार किया, अब कौन करेगा? तब भगवान उद्धव जी को श्रीमद् भागवत देते हैं। भगवान कहते हैं तुम इसका प्रचार प्रसार करो, मेरे जाने के बाद ये धर्म की रक्षा करे, ये मेरी लीलाओं से सबको समझाएगा धर्म क्या है, किस रास्ते पर चलना है, क्या करना है, ये धर्म की रक्षा करे। कहकर भगवान चले जाते हैं। कहाँ गए, अभी मृत्यु होनी बाकी है। भगवान ने लीला करी है तो वो एक जैसा साधारण मनुष्य का जीवन होता है उसी प्रकार रहे हैं। तो भगवान एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। अब पेड़ की जितनी पत्तियां हैं ना वो पूरी तरीके से भगवान को ढक कर रखी है, सिर्फ भगवान के पैरों की मणि, पैरों में वो एक मणि पहनते थे, वो चमक रही है। अब जो लोहे का आखिरी हिस्सा था उसको एक मछली ने निगला, मछली को एक शिकारी पकड़ते हैं, उसको काटते हैं, उसमें से वो हिस्सा निकलता है, वो हिस्सा देखकर उसको वो अपने तीर के आगे लगा लेते हैं। वही शिकारी सामने से जा रहे थे, अब वो मणि चमक रही है तो उन्हें मणि की जगह वो हिरण की आंख लगी, हिरण की आंख चमकती है, तो उन्होंने हिरण की आंख समझी, उन्होंने वही तीर निकाला और भगवान के पैरों में तीर मार दिया। लीला है, तीर लगता है तो भगवान की मृत्यु हो गई। तीर लगते ही भगवान खड़े होते हैं, खड़े हुए अब वो शिकारी देखता है, वो रोने लग जाए, क्योंकि सबको पता था कि वो भगवान है। अब वो कहे कि आपकी वजह से, मेरी वजह से आपकी मृत्यु हुई है, मेरी वजह से आप हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, मेरे तीर की वजह से मैंने मारा आपको, इतना बड़ा पाप चढ़ा दिया आपने मेरे सर। अरे भगवान कहते तुमने नहीं मारा, मैंने ये करवाया है तुमसे। क्यों करवाया? बोले क्योंकि राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था, तुम बड़े क्रोधित हुए थे मुझ पे कि पीछे से वार क्यों किया, सामने से वार करना था। कौन थे वे बताइए? बाली, भगवान ने, श्री राम ने बाली के ऊपर पीछे से छिप कर वार किया था, बाली को पता नहीं था, तो बाली बहुत क्रोधित हुए थे कि आपको सामने से वार करना चाहिए था, आपने गलत किया। भगवान कहते वो एक कलंक मेरे सर पर चढ़ गया था, गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, तो इस अवतार में तुमने मुझ पे पीछे, क्योंकि मैंने नहीं देखा तुम्हें मारते हुए, मुझे नहीं पता था तुम सामने से आ रहे हो, आते तो मैं बच जाता, मैं पीछे हट जाता, तो इस अवतार में तुमने पीछे से वार कर दिया, हो गया हिसाब बराबर, मैं किसी का उपकार ऊपर लेकर नहीं जाऊंगा कि ऊपर आके तुम आकर मुझसे कहोगे आपने मेरे साथ गलत किया, तो मैंने उस जन्म का एहसान यहां चुका दिया, सारे हिसाब बराबर। अब यहां पर सभी देवी देवता आते हैं और भगवान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लीला हुई कि भगवान को तीर लगा, भगवान की मृत्यु हुई और वो चले गए। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये कथा यहां पर संपन्न हुई, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगर जीने की इच्छा है मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं,
राजा परीक्षित कहते नहीं। देखिए श्रीमद् भागवत कथा, इसको अगर आप ध्यान से सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं, उतारना पड़ेगा जीवन में इसको, ये क्या करती है, ये आपको भगवान से इतना प्रेम करवाती है कि आपको संसार से फिर प्रेम नहीं रह जाता। अगर आप सच्चे मन से पूरी भक्ति के साथ सुनते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं, मैंने क्या कहा था पहले दिन, श्रवण चिंतन मनन ये तीनों मिलाकर तब जाकर कल्याण होता है। तो ये प्रेम करवाती है भगवान से। राजा परीक्षित ने इतने प्रेम से सुना था कि सातवें दिन ही उनको संसार प्यारा नहीं लग रहा, उनको मुझे अमर नहीं होना, मुझे जल्द से जल्द मृत्यु चाहिए, अब भगवान के पास जाना है। सुखदेव जी उनके सर पे हाथ रखकर चले जाते हैं। अब यहाँ कई संत मिलने आ रहे हैं, सबको वो फल बांट रहे हैं। तो एक छोटे से सेब में तक्षक छोटा सा रूप बनाकर बैठ जाते हैं। उसको काटा जाता है तो सेब में से निकलते हैं। राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया, आइए आपका ही इंतजार था। अब देखिए बड़े बड़े संत कहते हैं कि तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने का अर्थ था उन्होंने अपने प्राण उसी वक्त त्याग दिए थे, मतलब तक्षक के डसने से पहले ही उनकी आत्मा भगवान में जा चुकी थी। तक्षक ने केवल एक मरे हुए शरीर को डसा था, उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जो बात कही गई है कि वो तक्षक डसते हैं, राजा परीक्षित की मृत्यु होती है, आत्मा भगवान में लीन हो जाती है। तो ये श्रीमद् भागवत कथा सप्तापरायण यहां पर संपन्न हुई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री सुखदेव मुनि महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए आपको 5 मिनट देने से पहले हम सब आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले बाऊजी और पूरा परिवार, आपने इतनी अच्छी कथा कराई, इतने एक बार तालियां इस पूरे परिवार के लिए। आप सबके लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करी गई, बैठने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था करी गई, और आपको 7 दिन का पुण्य प्राप्त हुआ इनकी वजह से। तो सबसे पहले इनका धन्यवाद और हमारी तरफ से धन्यवाद कि आप जैसे प्यारे भक्तों के बीच हमें बुलाया गया कथा करने के लिए, जिन्होंने इतनी अच्छे से कथा सुनी। पहले दिन से इतनी संख्या भक्तों की और इतनी शांति से कथा सुनी गई। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ पर जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं सभी का, क्योंकि देखिए पहले के समय में कथाएं कहाँ इतनी दूर दूर तक पहुँचती थी। आज के समय में मान लीजिए कथा यहाँ हो रही है और पूरे हरियाणा में कथा सुनी जा रही है, एक एक को कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इसी वजह से कि हमारे जो मीडिया के जितने भी व्यक्ति हैं वो आप सबकी इतनी सहायता करते हैं। एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां कि आप सब तक ये कथा पहुंचाते हैं। तो महाराज और परम पूज्य बाबा बंसी वाले जी को प्रणाम, उनका आशीर्वाद बना रहे हमेशा, उनको धन्यवाद। ऐसे भक्त हैं यहाँ के, और कोशिश करेंगे कि अगली बार जब भी आप कथा कराए वो भी जरूर आए, वो दर्शन दे हमें, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो महाराज एक बार फिर से मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 7 दिनों तक इतने प्रेम से, इतनी भक्ति से और इतने अच्छे से, शांति से हमारी कथा सुनी। धन्यवाद। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।